गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बिहार जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हमारी कार भी बिल्कुल पैक हो गई है और अब हम निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:30, तो चलिए अभी हमें कार में CNG भरवाना है। इस बार हम CNG के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। CNG के साथ पिछली बार हमने पेट्रोल से किया था, तो देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है बिहार तक की। तो चलिए पूरी जर्नी हमारे साथ रहिएगा, अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल रोड खाली है। तो हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे, ये आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा। और हमारी कार की स्पीड अभी हम 70-60 यही चल रहे हैं आराम से बिल्कुल। तो हमने नोएडा में CNG फिल कराया था और ये एक्सप्रेसवे पे ही, यमुना एक्सप्रेसवे पे वहीं पे CNG फिर हम दोबारा फिल करा रहे हैं कि जहाँ पे भी हमें मिल रहा है तो हम रास्ते में CNG लेते हुए चल रहे हैं। तो अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता मैंने घर से ही ब्रेड ऑमलेट बना के लाया था, तो इनका ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो ये खाना शुरू हो चुके हैं। तो हम आ चुके हैं अब लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे के पहले टोल पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम तो हर जगह फास्टैग ही चलता है, तो यहाँ भी फास्टैग ही होगा। और जो आगरा एक्सप्रेसवे पे था, वो लास्ट वाला जो टोल था वो फास्टैग उसमें नहीं था, उसमें 40 रुपीज आपने वो कैश लेते हैं। तो यहाँ पे हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। अभी फिर हम कार में पेट्रोल भराएंगे और यहीं साइड में ये ढाबा हाईवे है, तो चलते हैं इसमें, थोड़ा फ्रेश होते हैं और कुछ खाने का देखते हैं अंदर क्या है। तो ये मैं घर से एग बॉईल करके लाई थी, तो मैं वो भी हम सब ये खा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में आप जब चलते रहते हैं तो आपको भूख भी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, तो खाते खाते जाने में और भी मज़ा आता है। तो हम खाते खाते ही जा रहे हैं, जितने सामान घर से लेके आई थी। बिहार का बाई कार जाने का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। ये हम मैंने वीडियो खास इसलिए बनाया क्योंकि इस बार हम पूर्वांचल से होके जा रहे हैं कि जो कि 341 किलोमीटर लंबा है। तो हमने ये देखा कि हमें देखना था कि कैसा रास्ता है, क्या है, जिससे आपको भी मैं बता सकूँ कि कैसा आप जा सकते हैं, आप वहाँ पर अच्छा है या नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के चांदसराय से स्टार्ट होता है और गाजीपुर के हैदरिया में इसका एंड पॉइंट है और ये 9 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसा है, इस पर हमारा सफ़र कैसा रहता है। आप भी देखते रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो रोड तो काफ़ी अच्छी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जब हम देखते हैं कि नाइट में कैसे लाइटिंग की क्या है। अभी तो दिन है तो इसलिए पूरी रोड अच्छी है, सब कुछ सही है और काफी गाड़ियां चल रही हैं इस रोड पे। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल है और अभी टोल यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए जो भी गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं वो साइड से होके जा रही हैं, तो इसमें अभी हमारा टोल का पैसा बच जाएगा। तो अभी दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियां और जाने वाली गाड़ियां एक ही साइड से निकल रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें जाना है। और काफ़ी अच्छा अभी सफ़र रहा है हमारा, इस पूरे रास्ते में आपको एक भी फूड प्लाजा नहीं मिलता है, तो बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आने से पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो देख रखे थे। देखिए पूरा अभी काम चल रहा है, सारे ट्रक लगे हुए हैं, रोलर सब कुछ, पूरे रोड पे भी उस साइड का काम चल रहा है। अभी हम भी रॉन्ग साइड में चल रहे हैं, तो अभी इधर उधर दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, उधर काम चल रहा है, इसलिए लोग इसी साइड से जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट नहीं होते हुए भी आपको रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि आपकी गाड़ी की लाइट से ही काफ़ी लाइट रोड पे हो जा रही है। और कहीं कहीं बीच में है, जैसा होता है एक्सप्रेस वे पे, जैसे बीच बीच में आपकी लाइट है, जैसे हमें लगा था कि इतना डार्क होगा, अंधेरा होगा, और काफी गाड़ियां चल रही हैं तो कुछ डर भी नहीं है।
मैं तो आपको ये बोलूँगी कि पूर्वांचल पे कभी भी नाइट में जर्नी ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स आपको रोड पे ही गाड़ी आपकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप दिन में ही करें, दिन में आपकी अपनी जर्नी करें पूर्वांचल पर अगर जाना है तो। और अभी यहाँ प्रॉपर एक भी एग्ज़िट पॉइंट नहीं बने हैं, तो कभी कहीं पे बंद है कहीं खुला है, और यहाँ पे फूड प्लाजा भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जर्नी करना नाइट में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आप पूर्वांचल पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपसे बिल्कुल सही सही शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए पूर्वांचल पे नाइट में बिल्कुल भी ना करें जर्नी। तो अभी 5 o'clock हो गया है और हम बलिया में रात में रुक गए थे और अब निकल चुके हैं आगे की जर्नी के लिए। तो ये देखिए चारों ओर मुझे यहाँ पे मार्केट में खाली गोभी ही दिख रहा है। तो अभी लग रहा है फेस्टिवल में लोग गोभी ज़्यादा यूज कर रहे हैं घर में, तो ये मार्केट ही पूरी गोभी से भरी हुई है। तो अभी हम आरा आ चुके हैं और अभी देखिए आरा से किधर से निकालता है, ये NH922 है। तो अब हम पटना पहुँच चुके हैं और ये पटना का वैली रोड है जहाँ पे हम CNG के रुके हुए हैं। तो यहाँ पे वैली रोड पे CNG पंप है, तो हम कार में CNG फिल कराते हैं फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाढ़ होते हुए जा रहे हैं बाढ़ मुकामा। ये देखिए पूरे खेत डूबे हुए हैं बाढ़ के, एक साइड बिल्कुल पानी भरा हुआ है और मैं आपको इसके अपोजिट साइड दिखाती हूँ। ये देखिए इधर सूखा ही कह लीजिए, सूखा है थोड़ा पानी है, लेकिन उस साइड पूरा डूबा हुआ है खेत। तो अब हम आ गए हैं बढ़िया और बढ़िया में भी देखिए दिवाली का दिन है तो पूरी काफ़ी भीड़ है और ये NH33 है। तो अभी रोड पे यहाँ पे सारी दुकानें हैं और लोग इतनी भीड़ है कि कार निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अब ये देखिए ये है बिहार की NH33, ये किस तरफ से नेशनल हाईवे है पता नहीं, लेकिन है बिहार की, जो चाहो तरफ दुकानों से भरी हुई है, कार निकल नहीं पा रही कि कहाँ से निकले। तो ये है लखीसराय का टोल, अब देखिए इस NH33 जैसी मैंने आपको हालत दिखाई थी कि इसका भी आपको टोल देना पड़ता है। और बिहार जब भी आए तो प्लीज अपनी गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल सही करा के आए, क्योंकि बिन हॉर्न की गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ आपको तुरंत हॉर्न देते हुए तभी आपको रास्ता मिलेगा, नहीं तो क्योंकि ये जो NH33 है ये बिल्कुल गांव के बीच में है, तो कभी कहीं से कोई निकल के आता है कभी कोई। ये है सूर्यगढ़ा नेशनल हाईवे, जैसी लखीसराय की हालत थी उससे भी बदतर हालत है इसकी। तो ये देखिए दिवाली में पूरे रोड पे ये सजावट है बिहार में, हर जगह आपको नाइट में ये लाइटिंग दिखेगी। और अब हम अपने गांव कह लीजिए सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं और जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव और देखिए हर जगह अभी लाइटिंग डेकोरेशन है दिवाली की, क्योंकि आज दिवाली है। तो अब गांव बिल्कुल गांव नहीं है, बिल्कुल एक सिटी हो गया है। तो अब चलते हैं घर पे, मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी थी हमारी। तो अब चलते हैं घर पे, मिलते हैं उनसे, और तब तक आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।